हेलो दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि बहुत से फ्रूट है जिन्हें केमिकल से पकाया जाता है, जैसे कि आम। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि केमिकल से पके आम को कैसे पहचाने। आमों का मौसम है और बाजार आमों से भरे पड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे रसीले आमों की मांग बढ़ती है, वैसे वैसे बाजारों में मिलावट भी शुरू हो जाती है। आमों को कैल्शियम कार्बाइड केमिकल का इंजेक्शन लगाकर जल्दी पकाया जाता है, जिससे स्किन में जलन, सांसों की समस्या और दूसरी कई समस्याएं हो सकती है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जिससे आप केमिकल से पके आम को पहचान सकेंगे। नंबर एक, आम खरीदते समय आम के रंग को देखना ना भूलें। जब भी कोई आम केमिकल से पका होता है तो उसके ऊपर हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और उन्हें पहचाना जा सकता है। नंबर दो, यह भी देखें कि आम का आकार कैसा है, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आम केमिकल से पका है या नहीं। नंबर तीन, केमिकल से पके आम आकार में छोटे होते हैं और उनमें से ज़्यादातर में रस टपकता हुआ दिखाई देता है। नंबर चार, अगर आपको कोई ऐसा आम दिखे जिस पर सफ़ेद या नीले रंग का निशान हो तो उसे बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहिए। इस तरह आप केमिकल से पके आम की पहचान कर सकेंगे। नंबर पाँच, आम को पानी में डुबोकर देखें। पानी में डूबने वाले आम प्राकृतिक रूप से पके होते हैं। अगर ऊपर से कोई आम तैरता हुआ दिखे तो समझ ले कि उसे केमिकल से पकाया गया है। नंबर छः, आम खरीदते समय उसे हल्का दबा कर देख ले। नरम होने पर आम को पका हुआ माना जाता है, लेकिन अगर आम को दबाने पर कहीं कहीं आम सख्त लगे तो हो सकता है कि ठीक से पका ना हो और उसे केमिकल से पकाकर बेचा जा रहा हो। नंबर सात, प्राकृतिक रूप से पके आम में भूरे रंग के धब्बे होते हैं, जबकि केमिकल से पके आम में हल्के या सफ़ेद धब्बे होते हैं। नंबर आठ, जब आप केमिकल से पके आम खाते हैं तो आपको पेट में जलन के साथ साथ गले में जलन महसूस हो सकती है। इससे कभी कभी पेट में दर्द और दस्त भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।